का चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जिस शेयर के बारे में बात करेंगे देखिए वो है रतन इंडिया का। और रतन इंडिया एंटरप्राइज देखा जाए तो अच्छा खासा जो है अपर सर्किट पे लॉक हो रहा था 40 रुपीज से 57 पे। उसके बाद देखा जाए तो इसमें गिरावट देखने को मिली है और फिर से जो है आप मूव देखने को मिला है। तो आज एक न्यूज है, उस न्यूज को डिस्कस करेंगे और प्रीवियसली जितने न्यूज है और इसका रिजल्ट देखा जाए वो सारे बेसिस पे क्या ये मल्टी बैगर हो सकता है, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। और पता आपको है कि ये ईवी और उसके बाद बात करें तो ड्रोन भी ये कंपनी बनाती है, तो दोनों ही का मार्केट देखा जाए तो अच्छा खासा जो है फ्यूचर है इन दोनों ही सेक्टर का, चाहे ड्रोन का बात कर ले चाहे ईवी का बात कर ले। तो चलिए डिस्कस करने के पहले मैं चाहूंगा जो लोग नए हैं इस चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों यहाँ पे आज का न्यूज जो है आज 10:11 पे, आज देखिए 10:11 पे, देखिए ये 11:16 पे जो है अभी अभी मतलब आप आधे घंटे पहले जो है ये न्यूज आई है। तो इसमें देखा जाए दोस्तों तो आज को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बोला गया रतन इंडिया एंटरप्राइज से रिवोल्ट मोटर ओपन न्यू स्टोर इन राजकोट गुजरात। तो राजकोट गुजरात में फिर से नया स्टोर खोलेगा। तो नया स्टोर खोल रहा है तो इसमें बड़ी बात क्या है दोस्तों, नया स्टोर खोलना बड़ी बात नहीं है लेकिन नया स्टोर खोल के कितने स्टोर खोले हैं वो बड़ी बात है, और कितना प्रॉफिट किया है वो बड़ी बात है, और किस तरह से एक्सपेंशन कर रहा है वो बड़ी बात है। तो उस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आफ्टर एक्सपेंडिंग प्रेजेंस अक्रॉस द स्टेट लाइक केरला बिहार, इनमें मई में जो है देखिए केरला में किया, फिर देखिए बिहार में किया, फिर रतन इंडिया जो है अब जो है रिवोल्ट मोटर जो है जो कि पिछले साल आया था और देखिए उसी के बाद से जो है ये शेयर जो है मल्टीबैगर रिटर्न जो दिया है। और रिवोल्ट मोटर जो है सेट टू इंटर इन सिटी ऑफ राजकोट, तो अब राजकोट में अपना स्टोर खोलने जा रहा है। और विद दिस कंपनी एम टू स्ट्रेंथ प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन ओपन 40 स्टोर इन दिस ईयर, और इस साल जो है 40 प्लस स्टोर जो है वो अक्रॉस खोल चुकी है। यहाँ पर देखा जाए स्टेट गवर्नमेंट न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फ्यूल द ऑप्टिमिज्म एमोंग द ईवी मेकर सेलर इन गुजरात। तो वहाँ गुजरात सरकार ने जो है नया ईवी पॉलिसी लाया जिसकी वजह से जो है यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और यहीं पर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर रही है, कितना सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है 20,000 का टू व्हीलर कैटेगरीज में, तो ये जो है कहीं ना कहीं इनको जो है पुश करेगा इनकी बिक्री को। और गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है आरटीओ पे भी छूट दे रही है, ई व्हीकल रजिस्ट्रेशन में आरटीओ को जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है उस पे जो है एक्सटेंडेड सपोर्ट दे रहा है। और उसके बाद चार्विन इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपनी दे रही है एक्सलेट द इको सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंश्योर ग्रेटर कम्फर्ट फॉर ईवी बायर, तो काफ़ी कंफर्ट रहेगा कि आराम से आदमी खरीद सके, इतने सारे सहूलियत मिलेंगे तो आदमी खरीदेगा ही। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक्सचेंज फाइलिंग जो इन्होंने किया है तो न्यू स्टोर विल बी सेटअप टू रिटेल पार्टनर अक्रॉस द की सिटीज, यहाँ पर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे और चीज़ें देखा जाए दोस्तों क्या क्या न्यूज सीरीज ऑफ न्यूज आई हैं, देखिए रतन इंडिया ने बैग रिवोल्ट मोटर ओपन इट फर्स्ट डीलरशिप स्टोर इन लखनऊ में इन्होंने खोला है। उसके बाद देखिए बीपीसीएल से पार्टनरशिप किया है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अक्रॉस द इंडिया। रतन इंडिया जो है वहाँ देखिए नया स्टोर जो नेलोर में खोला था आंध्र प्रदेश में, रतन इंडिया जो है ओपन किया रिटेल आउटलेट नोएडा में इन्होंने खोला है। फिर टाटा पावर के साथ गेन टाटा पावर गेन, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ये कर रहे हैं। तो ईवी में इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें जो है सारे न्यूज़ जो है बहुत ही पॉजिटिव है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे ड्रोन के बारे में, तो देखिए ड्रोन में भी ये काम करती है और इसका न्यूज़ जैसे लगातार जो अपर सर्किट लग रहा था तो यहाँ पे मिंट में भी था कि यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि ड्रोन स्टॉक हिट अपर सर्किट ऑन 4 सक्सेसिव डे आफ्टर Q4 रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए लगातार जो है अपर सर्किट देखने को मिला था, आपको पता है मई में 30 मई से आपको 3 जून तक तो 4 दिनों तक लगातार अपर सर्किट देखने को मिला था और वहाँ पे 40 रुपये से 56 रुपये तक गया था। और यहाँ बात करें दोस्तों इसका Q4 रिजल्ट का, तो वहाँ पे रिजल्ट में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है, देखिए यहाँ पे जो इनका सेल्स बढ़ा है वो 11.79 करोड़ हुआ है, यहाँ पे देखा 11.79 करोड़ हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो 11,690% का इनका सेल में जंप आया कंसोलिडेटेड मार्च बेसिस कर देगा 2022-21 तक तुलना के, तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। और यहाँ पे परसेंटेज वाइज वॉल्यूम देखें तो डिलीवरी उठाई जा रही है मंथली बेसिस पे, देखिए 40% 40%, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 32% और अभी तक 29 लाख का वॉल्यूम हो चुका है 12 बजे तक, और ये वॉल्यूम हमें लगा है कंटिन्यू रहेगा। अब देखा जाए इसका चार्ट पे क्या चीज़ें बन रही हैं, तो देखिए अभी जो है ये शेयर जो है 47 पे ये ट्रेड कर रहा है और ये नीचे के लेवल से अभी सपोर्ट ले चुका है। और सपोर्ट कहाँ से लिया है,
सपोर्ट देखिए, ये जो लेवल था आपका 45 का, और 45 के नीचे जो एक लेवल देखिए, तो ये जो था 43 के आसपास का यही सपोर्ट बना था, और इसी के बीच से इसने सपोर्ट लेके आज जो है ऊपर के लेवल देखने को मिले हैं। और यहाँ पे हाई जो है आज इंट्राडे में देखा जाए तो 48 के आसपास का हाई लगा है। अब यहाँ से अब ये शेयर कहाँ तक चल सकता है या लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने बताया दोस्तों, अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रहा है, ड्रोन का मार्केट फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि ड्रोन जो कि खेती में भी आपको ड्रोन यूज होगा, बहुत सारे फर्टिलाइजर कंपनी है वो यूज भी कर रहे हैं, उसको टेस्ट भी कर रहे हैं और बढ़ावा देने के लिए काम भी कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर को प्रिसिशन फायर फार्मिंग जो होता है, दवाओं का छिड़काव हो चाहे खाद का छिड़काव हो, वो ड्रोन के माध्यम से किया जाए, जिससे कि अच्छा कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा छिड़काव हो सके, तो वहाँ पे भी ड्रोन काम करेगा। प्लस आपका डिलीवरी में वहाँ पे भी ड्रोन काम करेगा, जैसे कि आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो जो है अपना डिलीवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और मिलिट्री में तो है ही है। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए 47 का है, तो यहाँ से एक हाई जो आपको देखने को मिल सकता है 52 का, यहाँ से आप टारगेट जो है 52 का देखने को मिल सकता है। और ये सब लेवल जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम क्या गया था, अभी देखिए मई में आपको 11 मई को 30 रुपये पे आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा था, और यहाँ पे अच्छा खासा नीचे गया था। और यहाँ देखा जाए दोस्तों, जब ये पिछले साल जो मैं बोला न्यूज जब आया था रिवोल्ट मोटरसाइकिल वाला, तो उसके बाद देखिए लगातार अपर सर्किट लॉक हुआ था, और इसने जो है 70 रुपीज का जो है टारगेट पूरा किया था मात्र एक महीने में। देखिए मई से लेकर जुलाई तक में, आपको जून से लेकर जुलाई तक में एक महीने में काफी अच्छा यहाँ पे। और एक देखा जाए तो यहाँ नीचे आया था, एक सपोर्ट जो है 40 के आसपास लगा लिया था, और यही 40 का सपोर्ट जो है मैक्सिमम टाइम आपका सपोर्ट बना रहा था। और ये टूटा कब है, ये देखिए मई में टूटा है, लेकिन उसके बाद देखिए फिर से इसके ऊपर निकलने के बाद और यहाँ फिर से सपोर्ट लिया है, और अगेन जो है ऊपर के लेवल देखने को मिले हैं। अब ये चूंकि यहाँ से देखा जाए तो ये जो लो बना था और ये जो लो बना था, चूंकि ऊपर की तरफ है और ये तीसरा लो बन रहा है ये भी ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब इसका हाई भी आपका 60 से 70, यहाँ पे आपको 62 रुपीज़ का टारगेट मुझे लगता है कि तुरंत जो है कुछ समय में देखने को मिल सकता है। और ये फ्यूचरिस्टिक शेयर है, इसमें थोड़ा पैसा लगाया जाए, कि इस तरह के शेयर में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, जो आपको थोड़ा पैसा लगाया जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये सब बातों को कंसिडर करके इसके रिजल्ट को, इसके फ्यूचर को आप एक व्यू बना सकते हैं, लेकिन अपना ऑन रिसर्च जरूर कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए, मेरे कहने या किसी और के कहने पर काम नहीं करना चाहिए। जब तक आप नहीं इसको रिसर्च करेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे और ना ही कॉन्फिडेंस जनरेट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे बताना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।